भाइयों और बहनों, हाल फिलहाल मैं किसी देश में ऐसा अभियान सुनने और देखने को हमने नहीं मिला है। ये अभियान शुरू भले ही हमारी सरकार ने किया था, लेकिन इसकी कमान जनता जनार्दन ने खुद अपने हाथों में ले ली थी। इसी का नतीजा था कि बीते 5 साल में देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा सका। इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले जहां ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था, आज वो बढ़कर करीब करीब 100% पहुंच रहा है। सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 40% से कम और 5 साल में लगभग 100%। लेकिन मैं मानता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता किसी भी आंकड़े से ऊपर है। इस मिशन ने अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी को पहुंचाया है तो वो देश के गरीब को, देश की महिलाओं को। जो साधन संपन्न है उनके लिए घरों में दो दो तीन तीन शौचालय बनवाना भी बहुत साधारण बात है, लेकिन शौचालय न होने का मतलब क्या होता था, इसे वो भली भांति जानता था जो इस सुविधा से वंचित था, खासकर महिलाओं को। बेटियों बहनों के लिए तो शौचालय न होना उनके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक था। यह उनकी गरिमा, उनकी इज्जत के खिलाफ था। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सारी स्थिति जानने के बावजूद ये सोच ही नहीं थी कि घर में शौचालय का निर्माण कितना अहम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबह से लेकर पूरे दिन महिलाएं शाम होने का, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के साथ ही ये इंतजार उन्हें और बीमारियों की तरफ धकेल देता था। शौचालय न होने की वजह से अनेक बच्चियों को अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी पड़ती थी। हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन शौचालय की कमी उन्हें स्कूल छोड़कर घर बैठने के लिए मजबूर कर रही थी। देश की गरीब महिलाओं को, बेटियों को इस स्थिति से निकालना मेरी सरकार का दायित्व था और हमने इसे पूरी शक्ति से निभाया, पूरी ईमानदारी से निभाया। आज मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि स्वच्छ भारत मिशन लाखों जिंदगियों के बचने का माध्यम बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ही रिपोर्ट है कि स्वच्छ भारत की वजह से 3 लाख जिंदगियों को बचाने की संभावना बनी है। इसी तरह यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि गांव में रहने वाला हर वो परिवार जो अपने घरों में शौचालय बनवा रहा है उसे कम से कम 50,000 रुपये की बचत हो रही है। मुझे बताया गया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में भी आया है कि भारत में रूरल सैनिटेशन बढ़ने से बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम कम हुई है और महिलाओं के बॉडी मास इंडेक्स में भी सुधार आया है। स्वच्छता के इन्हीं सब फायदों को देखते हुए महात्मा गांधी की बात कितनी सटीक लगती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि
कि वो स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता को मानते हैं। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता का जो सपना देखा था वो अब साकार होने जा रहा है। गांधी जी कहते थे कि एक आदर्श गांव तभी बन सकता है जब वो पूरी तरह स्वच्छ हो। आज हम गांव ही नहीं पूरे देश को स्वच्छता के मामले में आदर्श बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।